लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है। इंडिगो का विमान नहीं है, पुष्पक विमान है और श्री राम की धरती पर उतरा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सपने सपने साकार होंगे। मन में भक्ति और आस्था लिए भक्तों ने अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट पकड़ी। इस दौरान सभी भक्तों का जोश चरम पर था और इसके साथ ही फ्लाइट के पायलट भी इस घड़ी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें रामलला के दर्शन कराने का मौका जो मिला था। मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन के इंचार्ज स्टेप फॉरवर्ड होगी। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है हमारे संस्थान के लिए इंडिगो और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल हैं। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमय होगी। अपने 35,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ेंगे और उच्च ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहाँ से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक आपसे निरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें और यात्रा का आनंद लें। जय श्री राम। ये इंडिगो का विमान नहीं है, पुष्पक विमान है और श्री राम की धरती पर उतरा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज मेरे जीवन का सबसे हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। ऐसा अनुभव हमने जीवन में अनुभव नहीं किया था। अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सपने सपने साकार होंगे। इस दौरान फ्लाइट में बैठे सभी श्रद्धालुओं ने भी जय श्री राम का उद्घोष किया। यहाँ सभी राम नाम में रमे दिख रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में फ्लाइट से उतरते ही यात्रियों ने किस तरह माथा टेका। ये नजारा यकीनन बहुत खूबसूरत है। इंडिगो का विमान नहीं है, पुष्पक विमान है और श्री राम की धरती पर उतरा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज मेरे जीवन का सबसे हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। ऐसा अनुभव हमने जीवन में अनुभव नहीं किया था। अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे।